उस दूसरी दुनिया के धर्मादेश जिन्होंने इतिहास का रुख ही बदल दिया। ऐसे लोग हर काल में पैदा होते हैं और हमारा भविष्य तय करते हैं। ये लोग विकास का रास्ता चुनते हैं और फिर उस रास्ते पर लोगों की अगुवाई भी करते हैं। दूसरी दुनिया की रहस्यमयी यात्राएं, आसमान से उतरते चमकते बादल, फायर पिलर्स, स्वर्ग से आती आकाशवाणी और अलौकिक प्राणियों के साथ हुई अजीब मुठभेड़ें जिनमें हमें भविष्य की तस्वीर दिखाई गई। हमारे सामने सवाल उठता है कि ये देवता कौन थे? क्या वो हमारे पूर्वजों की काल्पनिक रचना थे या वाकई उनका कोई वजूद था? क्या प्राचीन दुनिया के पैगंबर या कहिए प्रोफेट्स वाकई ईश्वर के संदेश वाहक थे या उनके ज्ञान की वजह कोई और गहरा रहस्यमयी स्रोत था? प्रोफेट्स को एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल पावर्स का संदेश वाहक मान सकते हैं जो दुनिया पर राज करना चाहते थे। दुनिया भर में फैले लाखों लोग मानते हैं कि हमारे ग्रह पर एलियंस आते थे। क्या हो अगर ये सच हो? क्या सचमुच एंशिएंट एलियंस ने हमारे इतिहास को बेहतर दिशा दी थी? अगर ये सच है तो क्या इसके सबूत प्राचीन प्रोफेट्स और उनकी रहस्यमयी भविष्यवाणियों में छिपे हो सकते हैं? वो कौन थे? वो क्यों आए थे? वो पीछे क्या छोड़ गए? वो कहां चले गए? क्या वो वापस आएंगे? एंशिएंट एलियंस। जबल काशम एल तरी, इजिप्ट। साइनाई रेगिस्तान में खड़ा ये पहाड़ माना जाता है इतिहास की दो सबसे अहम पवित्र मुठभेड़ों का साक्षी रहा है। इसकी चोटी पर बाइबल में वर्णित हजरत मूसा को एक जलती हुई झाड़ी का साक्षात्कार हुआ था और यही वो जगह है जहां बाद में मूसा को ईश्वर के 10 धर्मादेश मिले थे। आखिर मूसा के इस पवित्र साक्षात्कार की असल सच्चाई क्या थी? क्या वो साधारण शख्स थे जिन्हें बरबस ही पवित्र उपदेश सुनाने के लिए चुन लिया गया था, या वो कोई असाधारण इंसान थे जिनमें दूसरी दुनिया की ताकतों से संपर्क करने की काबिलियत थी? पूरी दुनिया में पाए गए धार्मिक ग्रंथों में देवदूतों, देवताओं और किसी किस्म में अलौकिक प्राणियों के यहाँ आने की कहानियां लिखी हुई हैं। वो यहाँ हमें ज्ञान और विकास का तोहफा देने आए थे और उनमें ऐसी शक्तियां थीं जो हमारी समझ से परे हैं। मूसा की कहानी में भी यही जिक्र है। वैसे कई लीडर्स में से एक हैं जिन्हें पवित्र आत्मा ने पवित्र आदेश दिया था, जिन्हें अपने मकसद को पूरा करने में देवताओं की मदद मिल रही थी। पैगंबर मूसा की कहानी के अलावा भी हिब्रू और क्रिश्चियन टेस्टामेंट्स में भी इसी तरह के दूसरे पैगंबरों के किस्से भी मिलते हैं, जिनमें अलाइजा, आइसेहा, नोआ, इब्राहिम, इनोक और जीसस शामिल हैं। प्रॉफेट लगभग सभी प्राचीन सभ्यताओं का अहम हिस्सा रहे हैं। ये वो लोग हैं जो हमारी इस दुनिया और उस अलौकिक दुनिया के बीच संपर्क सूत्र का काम करते थे, यानी इंसानों और देवताओं के बीच। उनके पास ईश्वर का दिया गया संदेश होता था, लेकिन दिलचस्प बात ये है कि वो महज कोई संदेश नहीं था। प्रॉफिट्स के माने तो उन्हें ईश्वर की मौजूदगी का आभास हुआ था, तो इस तरह जो कोई भी प्रॉफिट की बात सुनता था वो असल में ईश्वर की मौजूदगी को भी महसूस करता था। अगर किसी समुदाय में ऐसा कोई प्रॉफिट होता जो बताता कि ईश्वर आपकी इस बात से नाराज है और नाराज देवी या देवता को खुश करने के लिए बहुत से काम करने पड़ेंगे, तो आप जरूर करेंगे। लेकिन क्या ये पैगंबरी संदेश वाकई किसी दिव्य स्रोत से ही पैदा होते थे? प्राचीन एस्ट्रोनॉट थियोरिस्ट मानते हैं कि शायद इस सवाल का कोई और पुख्ता जवाब भी है जो बता सकता है कि प्राचीन काल में ये प्रॉफिट्स आखिर किन प्राणियों से मिलते थे। हमें ऐसा लग रहा है कि उन लोगों की ये मुठभेड़ें धार्मिक नहीं थी, बल्कि उन्हें ये विचित्र अनुभव किसी और तरह के जीवों से मिलकर हुए थे। शायद उनका सामना हुआ था नॉन ह्यूमन इंटेलिजेंस से। प्रॉफिट्स और प्रोफेसीज ऐसे सबूत हैं जो बताते हैं कि ये वो दिव्य प्राणी हमें
ज्ञान देना चाहते थे ताकि हम सभ्यता के रूप में पनप सकें, विकास कर सकें। वो हमें भविष्य के लिए आगाह करते थे कि भविष्य में ये होने वाला है और हमें तैयार रहने की जरूरत है। क्या ये वाकई मुमकिन है कि दूसरी दुनिया के प्राणी प्राचीन पैगंबरों से संपर्क करते थे? शायद इसका जवाब मूसा की कहानी को करीब से देखने पर समझा जा सके। वो कहानी जिसे आज से 3000 से भी ज्यादा साल पहले लिखा गया था और जिसका जिक्र हीब्रू टेस्टमेंट की एक्सोडस की किताब में किया गया है। मोसेस के पहले ईश्वरीय साक्षात्कार का जिक्र बुक ऑफ एक्सोडस के 3rd अध्याय में मिलता है। मोसेस को जलती हुई झाड़ियां दिखाई दी थीं। उन्हीं झाड़ियों में से ईश्वर ने उनसे बात की थी। उन्होंने मोसेस को एक मिशन सौंपा जो था मिस्र के हिब्रूस करारनामे को खत्म करना। जलती हुई झाड़ियां मुझे काफी दिलचस्प चीज लगती है क्योंकि जलती झाड़ियों जैसी कोई चीज होती ही नहीं, खासकर तब जब अचानक ही उनसे कोई इंस्ट्रक्शंस आने लगे। तो सवाल ये है कि आखिर हमारे पूर्वज किस बारे में बात कर रहे हैं? क्या वो जलती हुई झाड़ियां इजाद थीं किसी किस्म की टेक्नोलॉजी की जिन्हें मूसा ने जलती हुई झाड़ियों के रूप में बताया था? क्या मूसा ने जिस जलती हुई झाड़ी का जिक्र किया है वो वाकई कोई एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल डिवाइस थी, यानी कोई मशीन, या शायद वो कोई स्पेस क्राफ्ट थी? अगर हाँ तो मूसा आखिर कौन से जीवों से बात कर रहे थे? शायद इस सवाल के सुराग एक दूसरी कहानी में ढूंढे जा सकते हैं जो ऐसी ही रहस्यमयी मुठभेड़ की दास्तां बयान करती है। टेलेडाबा, इजिप्ट। कुछ बुद्धिजीवी और शोधकर्ता मानते हैं कि यहां नाइल डेल्टा के उत्तरी पूर्वी इलाके में इजरायलियों ने कूच किया और यहीं मूसा को दूसरी बार दिव्य साक्षात्कार हुआ। इस बार उन्होंने आसमान में एक शानदार चीज को देखा था। अपनी मंजिल की ओर बढ़ते हुए उन्हें वो चीज दिखाई दी थी जिसे मैं बिब्लिकल यूएफओ कहता हूं। एक्सोडस के चैप्टर 13 वर्सेस 21 और 22 के मुताबिक ईश्वर उनके सामने दिन में बादलों के पिलर में समा गए और रात के वक्त आग के पिलर में। वो पिलर लोगों के सामने से हटा ही नहीं, मतलब वो हमेशा वहीं थे। बाइबल हमें बताती है कि ईश्वर अपनी मौजूदगी को इजरायलियों के सामने नाटकीय ढंग से जाहिर कर रहे थे। एक सवाल जो हमेशा पूछा जाता है कि आखिर वो आग का बादल था क्या? क्या ये ईश्वर है या जैसा कि एंशियंट एलियन थ्योरी मानती है ये किसी किस्म की कोई क्राफ्ट है जो प्रकाश पुंज बनकर उन्हें रास्ता दिखा रही थी? हिब्रू लोग उसका पीछा करने लगे और ये साफ था कि जब भी वो ऑब्जेक्ट जमीन पर उतरता लोग रुककर कैंप लगा लेते और जब वो ऊपर उठता तो कैंप उठा के आगे बढ़ जाते। वो ऑब्जेक्ट उन्हें रास्ता दिखाता। और बादलों और आग के पिलर की जो डिस्क्रिप्शन बताई गई है उसके मुताबिक पिलर की शेप सिलेंड्रिकल थी और शायद वो किसी हार्ड या सॉलिड चीज से बना था। आज जिन यूएफओस की रिपोर्ट मिलती है ये उनसे मिलती जुलती शेप है। उड़ंत अश्तरी जैसी शेप ज्यादा मशहूर है, लेकिन सिलेंड्रिकल शेप वाले यूएफओस भी बेहद कॉमन है। ये काफी बड़े होते हैं, इनकी लंबाई आधा मील हो सकती है। यूएफओस के कुछ विद्यार्थी सोचते हैं कि ये मदरशिप्स हैं और दिन में इनका बादलों जैसा दिखने की वजह थी मॉडर्न यूएफओस की तरह ही यूएफओ के गिर्द किसी किस्म के हेलो इफेक्ट का पैदा होना। अगर हम इसे दूसरे नजरिए से देखें तो शायद हमारे पूर्वजों ने एक चमकती हुई यूएफओ को देखा था जिसे उन्होंने दिन में दिखने वाला बादल बताया, चमकीला बादल, और फिर उन्होंने रात को चमकीली आग जैसा यूएफओ देखा जिसे उन्होंने आग का पिलर कहा। क्या ये आग और क्लाउड का पिलर वाकई ईश्वर का प्रतिरूप थे या ये कोई अति विकसित टेक्नोलॉजिकल डिवाइस थे जो किसी दूसरी दुनिया से आए थे? जहां तक प्राचीन एस्ट्रोनॉट थियोरिस्ट का सवाल है, इसके जवाब में वो मूसा के आखिरी दिव्य साक्षात्कार की ओर इशारा करते हैं जो माउंट साइनाई की चोटी पर हुआ था। मोसेस को ईश्वर का संदेश मिला कि वो माउंट साइनाई पर अवतरित होने वाले हैं, इसलिए उन्होंने समूचे इज़राइल राष्ट्र को पहाड़ के इर्द गिर्द इकट्ठा कर लिया और फिर वो विशाल चमकता हुआ बादल माउंट साइनाई पर उतर गया। ये एक शानदार घटना थी क्योंकि
उसके साथ की कई अप्राकृतिक चीजों के घटने की बात कही गई, जैसे ट्रम्पेट्स की आवाज, बादल और आग। यहूदियों को माउंट साइनाई की तलहटी में ही रुकने को कहा गया, लेकिन मूसा को न सिर्फ यह अधिकार प्राप्त था बल्कि आग और बादल के पिलर खुद उनकी हिफाजत कर रहे थे। तभी सिर्फ वो ऊपर जा सकते थे और कोई नहीं। बिब्लिकल टेक्स्ट के मुताबिक मूसा पहाड़ पर चढ़ गए और उस चमकीले बादल में प्रवेश कर गए। वहां उन्होंने ब्रह्मांड को बनाने वाले परमपिता परमेश्वर से बात की, और जब 40 दिन बाद वो वापस लौटे तो उनके साथ 10 धर्मादेश भी थे। लेकिन प्राचीन एस्ट्रोनॉट थियोरिस्ट्स इस कहानी को दूसरे नजरिए से देखते हैं। उनके मुताबिक माउंट साइनाई पर जो कुछ हुआ दरअसल वो किसी और ही मुठभेड़ का पुख्ता सबूत है। मूसा ऊपर ईश्वर के पास चले गए पूरे 40 दिन के लिए। ये आजकल के किसी कॉन्टैक्टी एक्सपीरियंस जैसा लगता है, जहां कॉन्टैक्टीज को रूल्स और रेगुलेशंस के साथ साथ फॉलो करने के लिए आइडियाज भी दिए जाते हैं ताकि इंसानी प्रजाति का विकास हो सके। जो कमांडमेंट्स दिए गए थे वो इंसानी पार्श्विक प्रवृत्ति से एकदम उलट थे, क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है कि ईश्वर हम इंसानों को भी अपनी दिव्य शक्ति का अंश जरूर सौंपते अगर हम उनके लायक होते। लेकिन प्रॉब्लम यही है, हम में उनके लायक गुण नहीं है। कोई हत्या नहीं करेगा, ना ही कोई बेईमानी करेगा, और ना ही चोरी अच्छी बात है। ऐसे ही ये 10 कमांडमेंट्स हमें उन्हीं दिव्य शक्तियों के लायक बनाने के लिए है। और प्रॉफिट्स को उन प्राणियों ने स्पोक्स पर्सन के तौर पर चुना जो हमारी दुनिया पर कायदे कानूनों कमांडमेंट्स के जरिए इस दुनिया पर राज करना चाहते थे, और वो हमें आदेश मानना सिखा रहे थे जिससे हम बेहतर इंसान बन सकें। क्या ये मुमकिन है कि मूसा ने जो कुछ भी माउंट सिनाई पर देखा था वो परमपिता परमेश्वर नहीं थे, बल्कि वो कोई एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल मैसेंजर था जो जानबूझकर इंसानी बर्ताव को अपने मन मुताबिक ढालना चाहते थे। प्राचीन एस्ट्रोनॉट थियोरिस्ट मानते हैं कि ये शानदार और विवादास्पद विचार पूरी तरह मुमकिन है। उनका दावा है कि इसके पक्के प्रमाण के लिए हमें एक और कहानी पर विचार करना होगा, जो एक पुराने टेस्टमेंट प्रॉफिट की, उनकी जिन्होंने आने वाले अशुभ भविष्य की सटीक चेतावनी दी और उन्होंने ही स्वर्ग से उतरने वाले उन प्राणियों का वर्णन किया था।